Hello everyone, my name is Sunu Kumar. I am from mechanical branch in GV Patna 7. Today I am going to discuss my topic blow molding. So what ब्लो मोल्डिंग से पहले हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं कि ब्लो मोल्डिंग से पहले आता है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्या है? प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है प्लास्टिक के द्वारा। उसी के अंतर्गत एक ब्लो मोल्डिंग पाया जाता है, तो हम ब्लो मोल्डिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। ब्लो मोल्डिंग में तीन टाइप का ट्यूब लेते हैं जो प्लास्टिक का होता है, जिसको हम पेरिसन बोलते हैं। पहले हम दोनों मोल्ड के बीच में पेरिसन को डाल देते हैं। पेरिसन जो होता है एक प्रकार का प्लास्टिक का ट्यूब होता है, जो पेरिसन डालने से पहले उसको गर्म किया जाता है। वो जो हमारा माउल्ड होता है, माउल्ड में उसको डालने से पहले उसको हीटेड किया जाता है, और हीटेड करने के बाद इसमें जो माउल्ड हमारा दोनों ओपन रहता है। ओपन रखने के बाद उसमें इसका पेरिसन को डालते हैं। पेरिसन डालने के बाद उसको क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, था तो ठीक है। हाँ सर,
फ्लो मोल्डिंग क्या होता है कि जब हमारा मोल्ड होता है तो दोनों का खुला अवस्था में रहता है, तो उसमें हम पेरिसन डालते हैं। पेरिसन क्या होता है, पेरिसन जो होता है एक प्लास्टिक थिन टाइप का प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं कि पेरिसन को हीट करने के बाद इसमें दोनों जो मोल्ड होता है हमारा ओपन होता है उसमें हम डाल देते हैं। डालने के बाद मोल्ड को एक तरफ क्लोज करते हैं और एक तरफ ओपन रखने देते हैं। ओपन इसलिए रखते हैं कि इसमें हम हीटेड एयर या नॉन रिएक्टिव जो प्लास्टिक से रिएक्ट नहीं करे नॉन रिएक्टिव गैस डालते हैं। नॉन रिएक्टिव के गैस के जगह आर्गन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही आर्गन आर्गन डालते हैं तो हमारा जो मोल्ड जो मेरा पॉजिशन होता है वो मोल्ड का शेप लेता है, जो पूरा कैविटी होता है कैविटी में भर जाता है और उसके बाद हम मोल्ड को ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद हमारा जो होता है फाइनल प्रोडक्ट बोतल बन जाता है। मोल्ड का एडवांटेज ये है कि बोतल मोल्डिंग का एडवांटेज ये है कि इसके द्वारा बोतल जार और फ्यूल टैंक इत्यादि बना सकते हैं, और डिसएडवांटेज इसका ये है इससे सिर्फ हॉलो टाइप का ही जार या बोतल बनाया जा सकता है। इसका एप्लीकेशन सिर्फ यही है कि बोतल जार ऑयल टैंक इत्यादि बना सकते हैं।